दुनिया के अंदर कदा तो मैं रब को मने से और मैं रब को सजदा करे से एक आदत है अल्लाह रब्बुल इज्जत जाते पाक ने बनी इसराइल के लोगों को खुशखबरी दी थी वादा उला शरीक की जाते पाक ने फरमाया अगर तुसन इयो कुछ आप ही दिते ना हुन मैं रब की जाते पाक चाहना कि हुन तुसन नबिया की पैर हुन तुसन नबिया की ताबेदारी करो बल एक कौम के दिल में इतनी नबिया की मुहब्बत आ चुकी है जडन भी इन्हों को कोई गम मिले हाँ जडन भी इन्हों को कोई परेशानी आवे हाँ जडन भी एक कहीं आफत मुबतला थीन हाँ तवल ये सहारा अल्लाह के नबिया का तो जिस वक्त ये अंबियाए कराम का सहारा गिनते हैं तो अल्लाह की जाते पाक वल इन्हां दी जो पुकारा होंदियां अल्लाह कबूल करेगा और जो इन्हां दे दिल दे इरादे होंदे मेरा रब इन्हां दियां दुआवां को मुस्तजाब करेगा ये वजह वास्ते खुदा ताला की जाते पाक ने बनी इसराइल की कौम के तज़किरे इबरातनाक भी बयान किए और मुहब्बत वाले भी बयान फरमाए इबरतनाक कैसे हैं कि इन्हों नबिया के जस्ते मुबारक उत्ते आरे ही चला दीते हैं और इन्हों नबिया को कतल भी किया है और इन्हों नबिया के खिलाफ इतनी जहर उगली है कि नबिया के उत्ते तोहता लेंदे हैं नबिया के उत्ते इतना कुछ उंगलियां खड़िया करेंदे हैं वल अपनी औकात ना देते हैं वल अपने इल्म की ताकत को ना देते हैं बस हट धर्मी दे इतना कुछ उतर आते हैं कि नबिया को कत्ल करते लोगों को फखर करते आदे हैं
कि ऐसा नबी है जो थे आरे चला दीते, मगर वादा उला शरीक दी जाते पाक ने फरमाया मैं रब दी जाते पाक बेनियाज हूँ, तुस लख करो मगर मैं खुदा चाहना अगर मेरे ताबेदार बनना चाहते वे तो वल मेरे नबियां दी पैरवी करो, वल मेरे नबियां दी ताबेदारी करो। तो यही वजह वास्ते अल्लाह करीम जाते पाक ने वल वो जे कौम दे अंदर एक ऐसा नबी को भेजा जिन्हा दा नाम सैयदी हजरत मूसा कलीम है। वल अल्लाह करीम दी जाते पाक ने फरमाया मूसा जी आपने फरमाया इना आखना तो है जिवें बाकी नबियां दा रवैया साडे नाल आई इन्हां नाल साडा रवैया भी तो उवें हो सी और इन्हां दा रवैया भी साडे नाल उवें हो सी। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जाते पाक ने फरमाया हुण इवें करो नबी तुसां अपने रवैये को ना हुण सख्त करो, अल्लाह लोगां दे सामने करो फरमाया लोगां दे सामने ना करो। जेले इजराइल हजरत सैयदी मूसा कलीम कोल आया ना ते मूसा अलैहि सलाम ने इन्हां को थप मारते इन्हां दा अख दा आणा ही कट चुका, बाकियां को कान थी गए। उन्हां के जेड़ा फरिश्ते दे रियायत नहीं करेंदा सा को छोड़ेंदे, बस कौम उतां ही सिद्धी थी गई है, बस कौम उतां ही बेहतरीन थी गई है। ते अज मेरा ही दिल इवें थी दे जे तुआ कोई सिद्धा करना होवे ना बंदा तकरीर रही छोड़ दे, तुआ कोई पता लग वंजे कि तुसा अगर 70 किलोमीटर दा सफर करते आए बैठे वे वल तक गुजारा थी वेंदे, जे तुसा चुल्हे तो उठी दे इत्थां आए बैठे वे तो वेले असाई ये देखे नहीं से, असाई आँख दी पार नाल कह नहीं से बदले बैठे शुजा बाद चू गड्डिया बजाते असा आ गए हैं, तुसा चुल्हे तो उठी ते हाली तक पिंडाल च नहीं वे आए, रो तो असा अपनी किस्मत क्योंकि नबी दी उम्मत लाडड़ी जो है आखिर मेरे महबूब दी उम्मत प्यार वाली जो है तो आपको बंदा धोखे च सदे 11 बजे ते वांड के वेला करे 3 बजे तो सब सिद्धे दा थी देवे हुना दे नारे सलात नारे खिलाफत नारे हैदरी मैं कोई पालेश वाला नारा नहीं चाहिए, अरे पालेश वाला नारा, और मैं खुद पालेश वाले बंदे को चंगा ही नहीं समझता और चमचे गिर बंदे को तो मैं हूं ही चंगा नहीं समझता। बड़ी बस्ती है चाहे घना और मैं बड़ी फूत करते आया मगर दिल त्रुट गया, तो को मुफ्त च मर्दी मिले तो को कदर ही गए, जवान मेहनत हेक की आई उन्दे नान आज तो ठोक के हर कोई अपनी ठोक के च बैठे, मगर याद रखा है ये ठोक हुए ले तक कम नहीं वे आदी आका दिया ते पाक ने बीबी पाक को फरमा दी ताई जड़ी उन्हें दी लखते जिगर रही जड़ी आका दिया ते पाक दे जिगर दा टुकड़ा है सरकार दिया ते पाक ने फरमाया फातमा ई फखर च ना बावे मैं मुहम्मद दी धी हां हाँ तो सही भूत च ना बवाया सा वलियां दे रंगे होए हैं एक रंगी चाई हुण अपनी मेहनत आप करो अपने आप च अंसर पैदा करो अपने आप च सलाहियत पैदा करो अपने आप च ओ ताकत पैदा करो कि वल हो जाए एक दफा वल जवान ई मुआशरे विच जन्म गिने वल आवे वल मन ते पता चले कोई धरती दे ते कोई मोहम्मद दा गुलाम बैठे तो इन्हां चीजां दे फखर च ना रिए करो। हाँ अगर करना होवे ना वल साईं दी गुलामी नाल करो पर रब दी रहमत नाल करो। याद रखो हर बंदा हुण मसरूफ ही वे इयो तगारी आला जो है इयो मजदूरी आला जो है इयो हट्टी आला जो है इयो रेड़े आला जो है इयो रोजाना दे मामूल दे मुताबिक मजदूर जो है वो ही मसरूफ है। कोशिश करो वक्त दी कदर करो एक बंदे को परखो एक बंदे दी सुनान करो तो पता चल गया हजरत मूसा अलैहि सलाम दे रवैये तो क्योंकि नबी कोई काम अपनी जात दी तरफ नहीं करेगा नबी जड़न भी काम करेंगे ना अल्लाह दे हुक्म नाल करेंगे। अल्लाह दी आते बाग ने फरमाया मूसा कौम लाड कर 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 दे गल चुके मार दे थप्पड़ आपने जिले इजराइल को थप मारी आंख दा आना कट छोड़ो ने तो बाकियों को खबर थी गई उन्हें कि जड़ा फरिश्ते दे रियायत नहीं करेगा छोड़ेगा सब कुछ। आपने फरमाया हुण क्या करा रब ताला दी आते पाक ने फरमाया हुण तो सही में करो मेरे मूसा नाल रजू करो। हजरत सैयदी मूसा अलैहि सलाम दे कोल जिले कौम आ गई आई बल केड़े अंदाज़े चांदी आई आप दे कोल रोप रखते इतना कुछ आंदी डरदी आई सहमती आई मगर जदन मूसा कोल कौम आंदी आई वाले डरदी आई पर जले मेरे नबी कोल आंदी आई वाल डरदी ना आई वाल खुश थी।
क्योंकि मूसा आका करीम अलैहि सलातु तस्लीम दी जाते बाप फरमाते हैं आप अल्लाह दे जलाली नबी हैं और तारे मेरे मुस्तफा करीम दी जाते बाप अल्लाह दे जमाली नबी हैं। हजरत सैयदी मूसा अलैहि सलाम को जले लोग दे दे हन आप दे जिस्म दे कप कपियां तारियां थी भी दिया रो भी इतना है और आका करीम दी जाते बाप ओ ही अल्लाह दी जाते बाप फरमाए महबूब एक रोप मैं दिता है मूसा को अगर दुआ को नहीं मिलेगा तो सिफत घट दी है अगर सिफत घट दी है तो वाराफा बाद हम दराजार वालता बुलंद दर्जा नहीं मिलता नबियों को एक सिफत तेरी घटेंदा नहीं मी पर महबूब वानो सिर तो भी रो तो आधा रोप इतना हो सी एक महीने तक महबूब तेरी रोप को तारी करे सा जड़ा एक महीने दी मसाफत तोड़ी पहले तोड़े कुल आमना चासी एक महीने दूरी दे फासले दोते तो अगर रोप इतना हो सी मुझे जिसम कम सी कि मैं मोहम्मद दे सामने बोल रहा कि और आला हजरत भी बई इतना फरमा रही था तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फसहाए अरब के बड़े बड़े तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फसहाए अरब के बड़े बड़े यूं समझे के मुंह में जबान नहीं 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 जिसमें सही दे सामने बड़े बड़े बोलन वाले दर्द रहे वे यार कई दी जरूरत न दी दे नबी दे सामने कोई बोल सकया क्यों ही वजह वास्ते वनो सिर तो अल्लाह ने महबूब दी जड़ी मदद की थी आई ना रोब रोब तो की थी नबी दा रोब इतना अल्लाह अकबर एक इल्म दी एक शान है और एक इल्म दा एक मकान है तो ही वजह वास्ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लोग जले आते मुख्तलिफ सवाल करें दे हैं और सवाल भी ऐसे तरीके नाल करें दे हैं कि वल मूसा अलैहिस्सलाम फौरन उन्होंने को जवाब न दें दे अपना इख्तियार इस्तेमाल न करें दे पहले अल्लाह को पूछते हैं और वल जले अल्लाह दी पाक बरगाह में पूछते हैं तो वल अर्ज करें दे अल्लाह से यहाँ कौम तो आ गए लोग तो आ गए मगर ये सवाल बेटे पूछते नहीं ना कौन जवाब किमें देव वादा उला शरीक दी जाते पाक इरशाद फरमाते हैं नबी अगर तो सोनी ना को जवाब देना चाहे मैं ना और मैं खुदा दी जाते पाक दा हुक्म है पहले ही ना को वादा करो अगर मैं खुदा दा पाक हुक्म तो को देवा मने सही सही अल्लाह करीम दी जाते पाक ने अपने महबूब दी जाते पाक को फरमाया महबूब जी आपने फरमाया हुन तुसा उम्मत को ना पूछो तुसा वण के हुक्म सुना दो ए लाडने त तोडे हैं प्यारे त मेरे हैं मगर मेरे को पता है एक दफा तुम्हारे मुंह विच जुमला निकल सी गुलाम अमल हुए ले कर गए आज भी तरीका हुए है जेले आकत जबाने मुबारक तो जितने फरमुदा जारी थे असा कदा नबी दे सामने बैठे हित कचाहट तो नहीं की थी असा तो इयो कुछ आख दीते के नबी आख दीते असा उम्मीद ते कार बंद है अगर न मने सु तो खुदा नाराज थी वैसी जे मन वेसु ता आमना दलाल राजी थी ता अल्लाह करीम दी जाते पाक ने फरमाया मूसा अगर तुसा अपने बंदे को दसना चाह देवे ना अरे तोडे सामने बैठे अर्ज बैठे करे दे कि अल्लाह दी जाते पाक दी पाक बरगा साडा ओ मसला हल कराओ कि जड़ा साडे कबीले दे अंदर एक बंदा कत्ल थी गे मगर हाली तक पत्ता भी नहीं पिया चलदा कातिल कौन है अल्लाह करीम दी जाते पाक ने फरमाया इवें करो फाजा बहू हा जड़ी सामने गांव खड़ी है ना ही को ज़िबा करो ही को कोह छोड़ो जेले कोहे ने वो ढेर सारे आवाल पूरे कुरान मजीद में मौजूद है हुन क्या करें फरमाए फकुल नदरेबू हो हुन मैं खुदा चाहना इंदे गोश्त ते एक टुकड़ा कप्पो बोटी छेक ते ना इदड़ा मोया पे ना ही को लाओ जा अल्लाह से वाल क्या करे सो फरमाए यो यिल्ला हुल मौता वाल देख मैं मुर्दे को जिंदा की मैं और जेंदा टुकड़ा मुर्दे को लवाया गया तो ओता एक जानवर का टुकड़ा है और जड़ा जानवर आई ओ भी तो खुद जिबा थी चुका है ओ भी तो मर चुका है ओ भी तो हयाती को अपना हाथ धोते मुर्दा दी कैफियत ज दाखिल थी चुका है मगर अल्लाह करी दिया ते पाक ने फरमाया ईंदा टुकड़ा उंदे जिस्म को लाओ वल देखो मैं सुंदा की मैं कर मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं ये बात को सोचो और इदी गहराई तक वजो क्या आपने फरमाया उंदा टुकड़ा उको क्यों लाया गया हालांकि कहीं जिंदा दा टुकड़ा मुर्दे को लाया वेंदा
اللہ دی آتے پاک نے فرمائی ہی بات ہوتے غور کرو جیندہ ٹکڑا کٹھوا تے مردے کو لوایا ہم جانور کیڑا ہے فرمائی گاؤں فرمائی اے لے کوئی گاؤں پلی کے دے بوہے دے اور اے لے کوئی گاؤں کو چارہ سٹن آلہ کون رہی گاؤں دا خیال کرن والا کون رہی اور گاؤں کین دے سپر دائی حضرات تمام مفسرین کرام چاہے او اپنے ہوئے چاہے فریق مخالف ہوئے سب ای بات تے متفق کہ او بنی اسرائیل دی قوم دا ایک ولی آئی جن دے سپرد او بیان آئی آپ نے فرمایا وہی ہو تا میں خدا دسنا چاہنا بنی اسرائیل قوم دا ہوئے ولی ان دے قلعے دے پلے گاں او کو کوہتے ان دی ڈوٹی دا ٹکڑا مردے کو لاؤ ہوں دی بوٹی مویاں کو زندہ کر دیں دیئے ہوں دا گوشت ٹکڑا مردے کوئی زندہ کر چھوڑے دے اگر بنی اسرائیل دے جانوری طاقت ہے آپ غور کرو چاہ جڑا تمام امتان دی امت سردار ہو سی انہ دے ولی دی طاقت کتنی ہوں دی شان کتنی ہو سی ہوں دی آقا کریم دی پاک بارگاہ چو اختیار دے طاقت کتنا ہو سی تا خدا رب ذوالجلال دی ذات پاک نے فرما اضرب ماری کو ضرب مار اللہ سی اگر میں ان کو ٹکڑے دا ضرب لاما اور مارا زندہ کر چھوڑے سے رب دی ذات پاک نے فرما زندہ کرے سا بنی اسرائیل دے لوگا نے آخری تا کیف تحیی الموتا بھلا تو مردے کو زندہ ہی میں کرے اللہ اکبر ہن توجہ کرائے جا ہن او انسان مر چکا ہے بعض بندے ہوندے جنہاں دا جسم زندہ ہوندے مگر انہاں دا دل مردہ ہو مگر جنہاں دل مردہ تھی ونجے نا ول بھاویں جسم حرکت چی ہوے نا ول پورا بندہ مویا ودا ہو اودی ایک مثال ہے ابو جہل جسمانی طور دے ٹردا ہے ابو جہل جسمانی طور دوتے ٹرتا ہائی ہوندے چ حرکت ہائی مگر اللہ دی ذات پاک نے فرمایا تسمع الموتا اے سندا ہی نہیں مویا ودے اللہ جڈن ٹرتا ہی ودے سندا ہی ودے تے بھل کو مردے دا نا کیوں دیتے وے فرمایا مولوی ایو کو تا خدا میں تے کڈے سنا چاہنا جڑا میرے یار دی دل وچ محبت ہی نہ رکھے جیندا ودے والی مویا ودے جڑا میرے یار دی گل ہی سنے تے والی دل دی تختی تے نہ لکھے بھاو میں کھاندا ودے والی مردا ہے اللہ سے جیندا کون ہے فرمایا سر نیزے دے ہوے دھڑ کر بلا وچ ہوے سر ملک شام وچ ہوے ودا قران پڑھدا ہوے تعلق نبی نال ہوے سمجھائے جیندا ہے بس ایسے ہوندے جنہاں دا جسم تا حرکت وچ ہوندے جنہاں دا جسم حرکت وچ ہوندے اے لفظ بولو جا جنہاں دا جسم آئے گے نال بولے دے والے چلو لفظ بولو جا اگر آئے گے نال الے دے بولے دے ہوندے کیونکہ ہن تھی تا بولن بند گئے کیونکہ نہ گھر بولے نے نہ باہر بولے نے اور انشاءاللہ جے نہ بولے سو تا ول کہیں دے استقبال واسطے وے سو ول جنت گھننا سو سبحان اللہ ہن تا ول ٹکٹا مل دیاں پن تو کو لاہور پرسو کل آئی پئی اخبار چوں کہ ترائے ہورا نکل گئی سبحان اللہ جے دے پی چترائے ہورا نکل ونجے نے لعنت کی ہو جائیں اس سبحان اللہ تے ول تو کو چاہیدا تا ہی ہو جائیں جی ہو جائیں ریایا ہو گئے ول بادشاہ آئی تا او ہو جائیں تشریف گھنتے آس انشاءاللہ دعا منگو تواڈی یا چپ تاول پاکستان سارے ہورا بن دی حیران دی گھر اچ ہے کی نہیں اگے دربارا دے وچ بن دی ہن پیچھے نکل گئے اللہ اکبر اللہ اکبر کوشش کرو ان لفظ کو سمجھن دی کوشش کرو آپ نے فرمایا باز جسم وچ حرکت ہوندی ہے مگر باز جسم وچ حرکت ہوندی ہے دل وچ کہ نہیں ہوندی آقا دی پاک بارگاہ وچ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہی مردے دل کو زندہ کرنا ہوے تو وال آپ نے فرمایا جسم زندہ ہوئے کمال نہیں دل زندہ ہوئے کمال اور دل زندہ کی میں دل بیمار ہے نا سارا جسم بیمار ہے جی دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے نا این دل کو زندہ کرن دی کوشش کرو ہوں دنیا غالب آ گئی ہوں وہ ہوں مغلوب تھی چکے مگر زندہ ہوں لیتی تھی جی لے کی کو موت دا جھٹکا لگ سکتا
पर सारे जंग लहवे से पर सारे पर्दे लहवे से पर जे सच्चे जहान च वैसी ना ओथ वन की में ठाड करते हासी मर गई पिछले मेरे नाल क्या पे करेंदे नु इतनी गफलत च वक्त गुजारे ताडे खानदान च वो बाबा आई जेदा जिस्म त ठीक है पर दिल ही ठीक है पर जेला जिस्म दे नाल दिल ठीक है बल बाबे ऐसा रंगे बल नसला आज पहते खांगा बेटे के हुन गफलत का शिकार है जेदे ते हुन दुनिया गाल है जेड़ा हुन दुनिया दे उत्ते इतना कुछ मगलूब पी चुके हुन दुनिया दे हथ मजबूर है निस्बत है पर हुन दिल के सुभान अल्लाह किबला खाजा हाफिज गुलाम हुसैन गुलाम हसन तरह एक जवान तो था कोई काट दे दो अटियाओ एक जवान हीरा काट दे दो सर ना दी खट्टी खावना कमाल नी कुछ करते दिखाते अपना शिकार करते खावना कमाल इकबाल एक लफ्ज दे इकबाल इकबाल आदे विरासत में मिली है उनको मसनद इरशाद जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशे मन जाग दना गिन तक कवड़ी जवे सो सही आदा गिन सदा सही असम मक्का मदीना पांद करते टिब्बे दे चुप न कीती आई ये दा वाली रोही दा टिब्बा आख संता सही बुले संता सही चक्कर ता मेरा हो सी आखरी मगर आख सा सच ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਾ ਖੜਾ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਸਕਦਾ ਤੋ ਕੋਈ ਸਮਝ ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਦਾਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਜਾ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਲਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਹਿਣ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾ ਗਈ ਇਤਨੀ ਗਫਲਤ ਚ ਨਾ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਫਖਾਲਾ ਫਾ ਮਿਨ ਬਾਦ ਖਲਫਹਿਮ ਅਦਾ ਉਸ ਸਲਾ खलीफे दे बाद जड़ा खलीफा बनदे हुंदी दूजी अलामत है के ओ नमाज दी गफलत करे बणी बणाई तड्डी मिल गई वे एडी फूत ना करो अगली अलामत क्या है बत्तबा शहवात ए शहवत इतनी होसी के शहवत दे उते कंट्रोल ना कर सकसा फसाफा याल कौन गयाओ इना दे जड़ा ठिकाना होसी आओ मैं खुदा तो कोले से सोने बनो नबी दे गुलाम बनो मैं असल दे 12 बजे वल पढ़ना हम लोधरा दे अगो निजामाबाद उठा 1 बजे तक उठा रहना दूत उतरे वल पुल सरले पढ़ना 4 तो 5 वल उत पर नाले खुए अधे पौने घंटे दे सफर है वल उठा पढ़ना मगरिब तो ईशा वल में पढ़ना है ठठे ईशा तो फौरन बाद वल आ पढ़ने हरी उथु पढ़ते वल आ पढ़ने लोधरा फिर नाल वधे रहो वल में वधे रहो तुसा चुल्हे तो उठी तक इत्था तक नहीं भेया अफसोस से इतना बड़ा इंतजाम और इतना बड़ा एहतमाम तो को कई द्वारा पहले कांडे दिते गए इतना वक्त गफलत च ना गुजारो कि तुहाडा बॉर्डर टप ते दुनिया तुहाडे मुल्क ते कब्जा च करे अपने आप जागण की सलाहियत पैदा करो हरन जंगल च समदी है मगर पता है हरनी कितना समदी है जिथे मकोड़े की खोड हरनी को पूछा ने तू दुनी मकोड़े दे खोड दरख्त क्यों समदी वो आके जे सम पवा तो शिकारी आते पकड़ वैसी मकोड़े की खोड दे तू समझा चाकी पाती रखे ना निडी नेंद्र करा दुश्मन को बची रहा तो सही एडी लंबी तान ते न संभो 11 बजे मौलवी वंडना होवे ते तुहाडी गफलत हो जा तो 11:30 बजे मैं को ना इसराणी अड्डा भूल सी ते ना इसराणी स्टेशन भूल सी इत्थों दा फोन जेले मेरे कोल आया तां पहली गल ही करे था ਤੁਸਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਹਿ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ
ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾ।